हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं डॉक्टर नवनीत कालरा और आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो बहुत ही बोल्ड है और पता नहीं इसके ऊपर हिम्मत पहले भी मैंने बना चुका हूं इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन आज फिर बनाने जा रहा हूं क्योंकि क्योंकि इस कोविड के टाइम पे जो कोविड के नाम पे लूट मची है तो उसका पर्दाफाश करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। समस्या पता क्या है? इतना ज़्यादा कोरोना फैल चुका है दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में और भी काफ़ी जगहों पर, लेकिन प्रॉब्लम यह हो रही है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। घर में बैठे रहें तो मुसीबत, पता ही नहीं चलता कब आदमी टपक जाए। सरकारी हॉस्पिटल जाएं तो वहाँ के इंतजाम तो टीवी पे कल आ ही चुके हैं, बेड्स वैसे भी नहीं हैं। और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल जाएं, अगर सीरियस पेशेंट है तो वो लेने से मना कर देते हैं, कोविड करा के लाओ। कोविड करा लिया, कोविड पॉजिटिव हो गया तो लेने से मना कर देते हैं, जिसको कुछ नहीं है उसको ले लो। लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कुछ एक ऐसी कहानी, बड़े फाइव स्टार जो होटल्स हैं, सॉरी फाइव स्टार जो हॉस्पिटल्स हैं, होटल हॉस्पिटल में ज़्यादा फ़र्क रह नहीं गया क्योंकि दिल्ली सरकार बोले कि हम होटल्स को हॉस्पिटल बना देंगे और वहाँ पे बेड लगा देंगे। सर, खाली बेड लगाने से कुछ नहीं होगा, बेड तो हॉस्पिटल में भी लगे हुए हैं, LNJP में देखा ना वहाँ पे क्या हाल हुआ। खाली बेड देने से हॉस्पिटल बनता है क्या? और हॉस्पिटल होटल बन जाएंगे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल पहले से ही होटल बने पड़े हैं, दिखाता हूँ कैसे। और कोविड के नाम पे कैसे लूट हो रही है ये भी मैं आपको बताता हूँ। समझ नहीं आ रहा इंसान जाए तो जाए कहाँ, और मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं पेशेंट के लिए क्या क्या वीडियो बनाऊँ, उनको नॉलेज दूँ या इन जो लूट हो रही है इनसे बचाने के ढंग बताऊँ। सच में मैं कई बार, मुझे घिन आती है, कई बार अपने आप पे प्राउड भी फील होता है, मैं डॉक्टर हूँ, और उन डॉक्टर्स पे भी प्राउड फील होता है जो सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या प्राइवेट में जो अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी जान पे खेल के बचा रहे हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसा ट्रीटमेंट और ऐसा लूट हो रही है जिसको देख के घिन आती है मेडिकल प्रोफेशन से। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये वीडियो PMO तक, हमारे प्रधानमंत्री तक जरूर पहुँचे, हमारे CM तक जरूर पहुँचे, और अगर वो कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें। मुझे नहीं पता कि इसमें कौन हेल्प कर सकता है, लेकिन लोगों की जान भी बचाना ज़रूरी है और उनका घर बचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो पेशेंट्स इस हॉस्पिटल में या इन हॉस्पिटल में, इस तरह के हॉस्पिटल में अगर चला जाता है, उसकी जान तो पता नहीं बचेगी नहीं बचेगी, लेकिन उसका घर बर्बाद हो जाता है, उसका घर बिक जाता है, सब कुछ बिक जाता है, उसका गाड़ी वाड़ी गहना वहना सब बिक जाता है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ऐसे ही एक फाइव स्टार होटल की एक लिस्ट, आप सामने देख लेना, जो उन्होंने लिस्ट अपने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं काफ़ी बड़े बड़े, और ये खाली एक हॉस्पिटल की कहानी नहीं है, ये बड़े सारे हॉस्पिटल की ऐसी कहानियाँ हैं। इन्होंने तो खुलेआम लिख दिया है कि भाई ये चार्जेज हैं, कल को बाद में मत कहना कि आपने हमें बताया नहीं। तो कोविड के नाम पे जो चार्जेस हैं वो मैं आपको लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ और आपको अपने फ़ोन से पढ़ के बता रहा हूँ, ये चार्जेस देखते जाइएगा। चार्जेस फॉर रूटीन वार्ड एडमिशन के जो हैं 25,000 रुपये, चार्जेस फॉर रूटीन वार्ड ट्विन शेयरिंग जिसमें दो पेशेंट हो सकते हैं 27,000 रुपये, चार्जेस फॉर रूटीन वार्ड प्लस आइसोलेशन 30,000 रुपये, ICU विदाउट वेंटिलेटर 53,000 रुपये, ICU विद वेंटिलेटर 72,000 रुपये। ये आप देख सकते हैं, बात यहीं ख़त्म नहीं होती, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने अपने चार्जेस बता दिए, बहुत अच्छा किया। देखिए मुझे प्रॉब्लम क्या है बताता हूँ, नीचे कुछ और एक्सक्लूजन भी लिखें कि वो सब इसमें कवर नहीं होंगे, कुछ टेस्ट हैं रीनल फलाना ढिमका ये टेस्ट इसमें कवर नहीं होंगे, कुछ और बीमारी अगर साथ में तो वो भी कवर नहीं होंगी, ये नहीं कवर होगा, एम्बुलेंस चार्ज कवर नहीं होगा, 75 रुपये से ऊपर की मेडिसिन है वो कवर नहीं होगी, बिल्कुल ठीक। यहाँ तक कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे आइए Table 2, ये थी Table 1 सारी प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ PPE किट चार्जेस, जो हम किट लोग पहनते हैं, डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ जिसको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट, उसके चार्जेस देखिए। अगर आप जनरल वार्ड में एडमिट है तो आपके लिए चार्जेस है 3900 रुपये पर डे का होगा मेरे ख्याल से, ये पता नहीं ये पर डे का है या क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ हर वार्ड के लिए अलग अलग है। जनरल वार्ड के लिए 3900 है, सिंगल के लिए 6,000 है, HDU के लिए 6,000 है, और ICU के लिए 6900 रुपये है। क्या क्वालिटी PPE किट की चेंज हो जाएगी जब आप जनरल वार्ड में जाओगे या आप सिंगल रूम में जाओगे, आप किट को चेंज करके पहन के जाओगे? इस रूम में जाना है तो घटिया किट, उस रूम में जाना है तो बढ़िया किट, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं है। तो फिर ये रेट अलग अलग क्यों PPE किट के? एक PPE किट, अच्छी किट 700-800 रुपये में मिल जाती है जो लोग होलसेल में खरीदते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट ये बता रहा हूँ, एक अच्छी PPE किट 700-800 रुपये में होलसेल में मिल जाती है, ज़्यादा करेंगे तो 1,000 रुपये में मिल जाएगी आपको, अगर बहुत ही आप खींच लो आप उसका डबल चार्ज कर लो 2,000 रुपये ले लो, अगर आपको इतना ही है तो।
लेकिन हर रूम के लिए रेट अलग अलग है पीपी किट का, पहला चीज। दूसरा चीज, नीचे आइए, कुछ प्रोसीजर के चार्जेस बताए गए हैं, ब्रोंकोस्कोपी, फ्लानास्कोपी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताने चाह रहा हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है इंजेक्शन मीरोपेनम, इम्यूनोग्लोबुलिन, पेरेंटल न्यूट्रिशन एज पर MRP। इसमें इंजेक्शन मीरोपेनम लिखा हुआ है एज पर MRP, क्यों लिखा है? खाली इंजेक्शन मीरोपेनम एक एंटीबायोटिक है, सिर्फ एक ही एंटीबायोटिक का नाम आपने क्यों लिखा? अगर आपको लिखने ही थे तो सारे लिखते ना, इंजेक्शन मीरोपेनम ही क्यों लिखा? अमोक्सिसिलिन का भी लिखते, इंजेक्शन अमिकासिन का भी लिखते एज पर MRP, सिर्फ आपने मीरोपेनम का क्यों लिखा? आपको कुछ समझ आया? नहीं समझ में आया, क्योंकि यही एक इंजेक्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई होती है। हर पेशेंट को ये लिखा जाता है, बिना बात के लिखा जाता है, चाहे आपकी कोई भी सर्जरी हो, ये इंजेक्शन जो लिखा जाएगा। इसका दूसरे ऑप्शंस भी हैं, हम दूसरे इंजेक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन यही क्यों लिखा जाता है? क्यों? क्योंकि सारे हॉस्पिटल की इनकम सिर्फ एक इंजेक्शन से होती है, इंजेक्शन मीरोपेनम से। जानते हो क्यों? क्योंकि इस इंजेक्शन का रेट ऐसा है। यही सेम इंजेक्शन आपको कंपनी का इंजेक्शन, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैक्लियोड का, देखिए मीरोमैक 1 ग्राम 500 से 600 रुपये के बीच में इसकी MRP होती है। और यही इंजेक्शन जब आप इन फाइव स्टार हॉस्पिटल में इलाज कराने जाएंगे, आपको ये इंजेक्शन लगाया जाएगा 3,000 से लेकर 3,500 रुपये के बीच का, हाईएस्ट MRP। इसकी MRP हर कंपनियां बनाती हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, और कई कंपनियां तो दो MRP से बना रही हैं एक ही प्रोडक्ट को। जो आपको पसंद हो ले लो, सर आपको सस्ता वाला चाहिए तो 500-700 का ले लो, महंगा चाहिए तो आपके पास 2,500 वाला भी है, आप बताओ आपको कौन सा चाहिए। ये खेल है मीरोपेनम का। तो मेरे साथ हो चुका है, मेरी मदर इन लॉ के साथ हुआ ऐसा, जब वो एडमिट थे, अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैंने सोच लिया था कि मैं ये भंडाफोड़ इसका जरूर करूँगा, इस इंजेक्शन का। वो लुधियाना में थे और उनके साथ भी यही किया गया, तो मैंने उन डॉक्टर साहब जो ट्रीट कर रहे थे उनको मैंने पहले ही बताया था मैं डॉक्टर हूँ, मेरी मदर इन लॉ है। तब ये अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा? सोच के भी रूह कांप उठती है दोस्तों। फिर मैंने डॉक्टर साहब को गुस्से में बोला, मैंने कहा सर पेशेंट तो बचेगा नहीं बचेगा, उसका घर तो बचा लो, उनका मेडिकल क्लेम खत्म हो चुका है। आप रोज का इंजेक्शन में ही कम से कम 1 ग्राम इंजेक्शन दिन में 3 बार लग रहा था, आप सोचो एक ही दिन में उनको 10-12 हज़ार रुपये पर डे के पड़ रहे थे फालतू में, और जो बाद में उन्होंने पेमेंट करी 1 से 2 लाख रुपये बिना बात के एक्स्ट्रा देना पड़ा, जबकि उनको अपनी जेब से पेमेंट करनी पड़ी। और अगर आप ये कहें इस हॉस्पिटल वालों को, कॉर्पोरेट को, कि हम बाहर से ले आएंगे इंजेक्शन, ये आपको बाहर से लाने नहीं देंगे, पॉलिसी ऐसी है जी, कैसे ले आओगे आप बाहर से? मरीज का इलाज नहीं करेंगे हम, भगा देंगे। दादागिरी है भाई, सिंपल दादागिरी है, और अब तो दादागिरी खुलेआम हो रही है। आपने बाहर लगा दिया, जिसको जो करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, हम तो पैसा लेंगे। भाई देखो, मान लिया इस समय हॉस्पिटल में स्टाफ ज़्यादा पैसा मांग रहा है क्योंकि रिस्क पे है, नर्सिंग स्टाफ ज़्यादा पैसा मांग रहा है, डॉक्टर ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं जो ड्यूटी पे है, जो रेजिडेंट डॉक्टर है, मान लिया, तो उसके लिए तो आपने अपने अलग चार्जेस कर दिए ना, आपने फिक्स कर दिया, बहुत अच्छा करा आप, 70,000 लो, 80,000 रुपये, 90,000 लो। ये क्यों आपने लिखा एज ए पर MRP, और पेशेंट बाहर से दवाई क्यों नहीं ला सकता? अभी मेरी चाची जी का ऑपरेशन हुआ एक बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी यही कांड हुआ। मैंने उनसे बात भी करी, मैंने कहा सर आप मेरे पेशेंट के साथ कर रहे हो, जबकि मैं आपके यहाँ भी कंसल्टेंट हूँ, आप मेरे पेशेंट के साथ ऐसा कर रहे हो? कोई आंसर नहीं था, किसी के पास कोई आंसर नहीं था। ये इंजेक्शन के थ्रू उनको भी 70-80 हज़ार रुपये का चूना लगा। दुख होता है यार, घिन आती है मुझे कई बार, मुर्दों से पैसा कमा रहे हो आप, डेड बॉडीज से, आपको पता है पेशेंट बचेगा नहीं, लेकिन आपने पैसा कमाना है। कौन कमा रहा है? कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। मालिक कौन है? सबको पता है ये बड़े बड़े लोग हैं, कुछ नहीं हो सकता इनका। क्या ये बात सरकारी ऑफिसर्स को पता नहीं है? सबको पता होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन शायद इस हमाम में सब नंगे हो चुके हैं। लेकिन मेरा काम है, मेरा फर्ज है इसको सामने लाना, इस प्रॉब्लम को। और आजकल कोविड के टाइम पे सर, मान लिया एक दाल जो है ना ढाबे पे 25 रुपये, 30 रुपये की, 50 रुपये की, 100 रुपये की मिल जाती है, वही दाल 5 स्टार होटल में 1,000 रुपये, 1,500 रुपये की मिलती है, और कई बार ढाबे की दाल अच्छी होती है, मैंने पहले भी बताया था। लेकिन आप लाशों से पैसा कमाएंगे क्या? मैं तो समझ से बाहर है कि मैं किसको अप्रोच करूं। तो मैं ये चाहता हूं इस वीडियो को शेयर करें जितना आप कर सकते हैं, और कोशिश करें वो लोग जो जिनके संबंध हैं बड़े बड़े लोगों के साथ, पता नहीं अब कितनी हेल्प हो पाएगी, क्योंकि ये खेल चलता रहेगा, ये नंगा खेल चलता रहेगा, और लोग जाएंगे बेचारे कोविड का इलाज कराने के लिए और घर बिक जाएंगे। भाई ऐसा है, ये हॉस्पिटल बने हैं उन लोगों के लिए जिनके पास नंबर दो का बहुत पैसा है या बहुत करोड़पति हैं, ये मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए हॉस्पिटल नहीं है। दोस्तों मैं फिर बोलूँगा आपको, अगर आपका पेशेंट बहुत सीख है, सब ने जवाब दे दिया है, भाई बेटर है उसको घर पर मरने दो, मत लेके जाओ।
अगर डॉक्टर्स बोल चुके हैं, छोटे मोटे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बोल चुके हैं कि ये बचेंगे नहीं, भाई अपने घर ले जाओ, क्योंकि आप मरीज भी खोदोगे, अपना घर भी बेच दोगे, दोनों साइड से आप जाओगे। इंजेक्शन मीरोपेनम एज पर MRP। आपने देखा कभी आप PVR पे खान पिक्चर देखने गए हो, या किसी भी बड़े मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने गए हो, वहाँ पे एक पानी की बोतल भी 50 रुपये की मिलती है, एक जो पॉपकॉर्न होता है वो भी 300-250 रुपये का मिलता है, जो बाहर 25 रुपये का मिलता है। सेम चीज़ यहाँ पे है, वहाँ पे भी आप बाहर से नहीं लेके आ सकते, यहाँ पे भी आप बाहर से इंजेक्शन नहीं लेके आ सकते, तो फ़र्क क्या रह गया हॉस्पिटल और होटल में, बता दो मुझे। पिक्चर रोल की तरह ट्रीट कर रहे हो आप, कोविड के नाम पे पैसा कमा रहे हो, PPE किट इस रूम में इतने की, उस रूम में इतने की। अबे रेजिडेंट डॉक्टर क्या बदल के जाएगा क्या बेचारा, बार बार किट बदलता रहेगा अपनी, कि भैया ये जनरल वार्ड का है इसके लिए घटिया किट यूज़ करनी है, वो सिंगल रूम का उसके लिए दूसरी किट यूज़ करनी है। इसका जवाब दो आप, ये हॉस्पिटल इसका जवाब देगा कोई जवाब? कोई जवाब किसी के पास नहीं है। मेरे लिए भी मुसीबत आ सकती है, हम कोरोना के टाइम पे मैं काम कर रहा हूँ, वो अलग काम है, वो एक अलग मुसीबत है, उसका डर अलग होता है कब आपको भी कोरोना हो जाए, और ये जो लूट मचा रखी है कल को ये भी मेरी जान के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे ये लोग, क्या करूँ। लेकिन मेरा काम है इस वीडियो को PM तक पहुँचाना। नरेंद्र मोदी जी, आपको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ देखिए इस देश की जनता के साथ क्या हो रहा है, कैसे लूट रहे हैं ये हॉस्पिटल आप देखिए। ठीक है आपके खर्चे ज़्यादा हैं, आपके सब कुछ है, आपने उसके चार्जेस फिक्स कर दिए, लेकिन ये क्यों लिखा इंजेक्शन मीरोपेनम एज पर MRP? आपने बाकी एंटीबायोटिक के नाम क्यों नहीं लिखे? क्योंकि उसमें कुछ बचता नहीं है ज़्यादा, उनके रेट सरकार ने लेस कर दिए हैं, ये अभी DPCU में नहीं है, ड्रग प्राइस कंट्रोल में अभी ये नहीं है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है इस गवर्नमेंट से, चाहे वो दिल्ली की गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, प्लीज़ 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 इसका भी दाम कंट्रोल कर दीजिएगा, इसको भी उस दवा की लिस्ट में डाल दो जिसमें MRP ज़्यादा ना हो पाए, 600-700 ऊपर MRP ना हो पाए, क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे अरबों रुपया हर दिन अरबों रुपया इस इंजेक्शन मीरोपेनम के नाम पर लूटा जा रहा है हर दिन। आप सोच लो पूरे हिंदुस्तान में ये खेल चल रहा है इंजेक्शन मीरोपेनम का, सिर्फ दिल्ली में नहीं है, ये हर जगह पे है। क्या करें यार, कई जगह पे कुछ डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह जो बड़े हॉस्पिटल हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, सिर्फ उनके मालिक इन्वॉल्व हैं, उनको मैनेजमेंट इन्वॉल्व है इसको करने में, और बाहर से इंजेक्शन वो लाने नहीं देते। अगर आप चाहें, अगर मैं किसी की मदद भी करना चाहूँ कि मैं सस्ता दिलवा दूंगा, ये लोग लाने नहीं देंगे, क्योंकि मैंने अपने घर में देखा इलाज होते हुए, वहाँ पर भी ये था, धमकी है खुलेआम, नहीं ला सकते आप, यहीं से मिलेगा जो चाहिए आपको, यहाँ से मिलेगा। तो ये रिक्वेस्ट करूँगा पूरी पब्लिक से, इस वीडियो को शेयर करें और हैशटैग करें PM नरेंद्र मोदी जी के नाम, शायद वही कुछ कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये देश का मामला है, किसी एक प्रांत का मामला नहीं है, किसी एक सिटी का मामला नहीं है, ये जो लूट हो रही है ये हर जगह पे होती है और होती आई है, कई सालों से हो रही है, पिछले 8-10 सालों से हो रही है, मैं भी देखता आ रहा हूँ, लेकिन हेल्पलेस फील करता हूँ जब मरीज सिर्फ एक इंजेक्शन के नाम पे लाखों रुपए लुटवा के जाते हैं। मरीज तो जाता ही जाता है, साथ में घर भी बिक जाता है, बाइक बिक गई, घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, गहने बिक गए, सब कुछ बिक जाता है, मरीज तो घर वापस पहुंचता नहीं कई बारी। लेकिन क्या बोलूं, एक ही बार बोलूँगा, अगर इसमें कोई डॉक्टर इन्वॉल्व हैं उनके लिए बोलूँगा, स्पेशली कॉर्पोरेट लोगों को तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। देखो ओ दीवानो, तुम ये काम ना करो, मेडिकल का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। दोस्तों लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं, कोरोना के नाम पे लोग मर रहे हैं, इतने मर रहे हैं मैं बता नहीं सकता हूँ, दिल्ली की हालत कितनी ख़राब है, मुंबई की हालत कितनी ख़राब है हमें पता है, और अब इस ख़राब हालत में इस आपदा का इस्तेमाल सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो लोग कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उनको जो लाशों से पैसा कमाने की सोच रहे हैं। ये इंजेक्शन मीरोपेनम सिर्फ लाशों से पैसा कमाने का एक धंधा बन चुका है, और ये कब तक डेड बॉडीज़ का काम होता रहेगा? सारा शमशान घाट में जाओगे तो वहाँ पे लाशें पड़ी हैं, वहाँ पे जगह नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, करें तो करें क्या, कोविड के नाम पे लूट सके तो लूट, अंत में पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। प्राण किसके छूटेंगे? प्राण तो मरीजों के छूट रहे हैं, उनके रिश्तेदारों के छूटेंगे, इनका क्या होगा? इनका कुछ नहीं होने वाला। बाय, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को शेयर करें, जितना ये शेयर होगा उतना शायद ये वहाँ तक जा पाए, शायद ये इंजेक्शन मीरोपेनम का खेल ख़त्म हो पाए, पर शायद फिर कोई और नया इंजेक्शन आ जाएगा उसकी जगह। तो सरकार को तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये धंधा जो चल रहा है इसको कैसे रोका जाए। बाय, थैंक यू, शुक्रिया आपका, डॉक्टर नवनीत कर रहा।